हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट के ऊपर। हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए भी देखेंगे जो शॉर्ट टर्म में आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आपको किस लेवल पर पोजिशन बनाना चाहिए। तो हम लोग सभी चीज़ों को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर एनालिसिस पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग जो है डेली आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक्स और जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक्स पोस्ट करते हैं। तो आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग जो है चैनल पे देख सकते हैं, जहाँ पे कि आपको प्रॉपर लेवल्स, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ जो है स्टॉक्स मिल जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मंथली चार्ट पे, वहां से व्यू क्लियर होगा क्योंकि मंथ ऑलरेडी आपको एंड हो चुका है। तो मंथली चार्ट में यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस स्टॉक ने काफी अच्छा एक रिटर्न बना के दिया है, बहुत ही अच्छा। लास्ट के 2 ईयर में जो है आपको कोरोना के बाद बहुत ड्रास्टिकली जो है एक्सपोनेंशियली इस स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिला है। समवेयर अराउंड आपको 250-300 के लेवल से ये स्टॉक जो है 300,000 के लेवल को भी टच करके वापस आया है। तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा बना है। तो अब जो है यहाँ पे आपको एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चार्ट आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। चार्ट आपको कैसे इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ से अगर आप देखिएगा समवेयर अराउंड अगर 300 से कंटिन्यू 3000 तक का आपको वन वे रैली हुआ है, कहीं पे भी मेजर आपको पुल बैक नहीं देखने को मिला है। लास्ट 4 मंथ के कैंडल को अगर आप यहाँ पे ध्यान से कंसंट्रेट करके देखेंगे, इस कैंडल में बहुत अच्छा स्टॉक ऊपर जाने का कोशिश किया था, ऊपर के लेवल से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और यहाँ पे जो है आपको इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपको स्टॉक नीचे आया, फिर नेक्स्ट मंथ जो है यहाँ पे आपको ऊपर जाने का कोशिश किया दिसंबर के मंथ में, बट यहाँ पे 2500 के पास एक अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी बना, बट नेक्स्ट मंथ में फिर इसके ऊपर नहीं जा पाया। इसके ऊपर गया जरूर बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, और फिर अगर आप करेंट मंथ में देखेंगे तो ये 2200 के अराउंड आपको ट्रेड कर रहा है। अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे कम्प्लीटली बियरिश साइन आपको एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 2000 का लेवल एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। 2000 से 2500 इस लेवल में स्टॉक अभी ऑसिलेट आपको कर रहा है यहाँ पे कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पे कम्प्लीटली बियरिश साइन कब मिलेगा, अगर यहाँ पे 2000 का लेवल ब्रेक हो जाता है, 2000 के लेवल के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करने लगता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है। स्टॉक जो है आपको एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट यहाँ से दे सकता है, लेकिन जब तक 2000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, इस स्टॉक में आपको जो है यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट तब तक नहीं देखने को मिलेगा। या तो स्टॉक इसी बीच में ऑसिलेट करेगा, और अगर इसको अपसाइड मोमेंटम करना है तो जब तक 2500 के ऊपर एक अच्छा जो है आपको कैंडल नहीं बनता है, एटलीस्ट वीकली कैंडल आपको नहीं सस्टेन करता है, यहाँ पे एक अच्छा तेजी नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग इस रेंज को 2000 से लेके 2500 के रेंज को अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट में देखेंगे, तो वीकली चार्ट में जो है आपको कुछ इस टाइप से देखेगा। यहाँ पे 2 बार जो है इस लेवल के ऊपर जाने का कोशिश किया, ऊपर के लेवल से 3000 के लेवल से एक अच्छा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, फिर यहाँ से आपको स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर यहाँ से आपको सेलर्स एक्टिवेट करे हुए, कुछ इस टाइप से आपको वीकली चार्ट में ट्रेंड लाइन भी दिखेगा। और अभी जो है आपको स्टॉक मेजर सपोर्ट पे है, जैसा कि हम लोगों ने देखा आपको मंथली चार्ट में, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे वीकली चार्ट में भी दिख रहा है, जो ये एक मेजर सपोर्ट है। जब तक नीचे की साइड आपको 2000 का लेवल नहीं ब्रेक होता है, तब तक आपको मेजर ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलेगा, और ऊपर की साइड आपको जो मेजर मोमेंटम होगा वो 3000 के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू सेलर्स जो है आपको सेल करने के लिए आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब अब ये जितनी बार भी आपको ऊपर जाएगा, इस लेवल पे रेसिस्टेंस हिट करेगा, 3000 के लेवल पे रेसिस्टेंस हिट करेगा, तो यहाँ पे जो है आपको ऊपर का मोमेंटम
अभी उतना फास्ट नहीं होने वाला है जब तक कि आपको 3000 का लेवल यहाँ पे क्रॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर जो लोग भी फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, वो लोग एक बार के लिए जरूर वेट कर ले, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजर करेक्शन यहाँ पे इस स्टॉक में नहीं हुआ है। तो थोड़ा यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए एक बार के लिए, मे बी बजट के बाद जो है ये करेक्शन आपको ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा करेक्शन नहीं आया है, स्टॉक ऑलरेडी आपको बहुत ऊपर जा चुका है। और अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज भी लगा के देखेंगे तो यहाँ पे अपने एवरेज प्राइस से बहुत ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक मीन रिवर्जन भी यहाँ पे बाकी है। तो रिट्रेसमेंट होना यहाँ पे तय है, हो सकता है 1 महीने के बाद आए, हो सकता है 2 महीने के बाद आए, लेकिन रिट्रेसमेंट या तो रिट्रेसमेंट आएगा या फिर स्टॉक आपको इस रेंज में ऑसिलेट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे जो है स्टॉक अपना टाइम स्पेंड करेगा, एक जो है यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ऊपर होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको पॉसिबल है, या स्टॉक नीचे की ओर जाएगा या फिर स्टॉक कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर जाएगा। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, जो स्टॉक या तो ऊपर की साइड जाएगा या फिर जो है स्टॉक आपको नीचे की साइड करेक्शन दे सकता है। तो आपको यहाँ पे जल्दबाजी में पोजीशन नहीं बनाना है, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। आने वाले दिनों में बजट भी है, बजट के बाद आपको मार्केट का कैसा रिएक्शन रहता है, नीचे की ओर आपको मार्केट आता है या फिर ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे की ओर आता है या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करता है, तो बेटर आपको अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, अगर 3000 के ऊपर निकलता है तो ही आपको क्विक मोमेंटम मिलेगा, अगर नीचे निकलता है 2000 के नीचे तो फिर जो है एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, जो पोजीशन कैसे बनाए। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में देख रहे हैं वो लोग थोड़ा बहुत पोजीशन अभी बना सकते हैं, लेकिन अभी अपना पूरा कैपिटल यहाँ पे डिप्लॉय मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होगा स्टॉक में जब करेक्शन आएगा तो आपको और बेटर वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल जाएगा। तो इसलिए बेटर है थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आपको यहाँ पे 100 क्वांटिटी लेना है, आप 10 क्वांटिटी इस प्राइस पे ले सकते हैं। धीरे धीरे अगर नीचे आता है स्टॉक तो आप वहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे नहीं आता है तो 3000 के ऊपर अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक बेटर कम टाइम में एक अच्छा रिटर्न मिलने का ज़्यादा चांस रहेगा। अभी आपको उतना ज्यादा यहाँ पे चांस नहीं है, क्योंकि मल्टीपल रेसिस्टेंस है इस लेवल पे और स्टॉक ऑलरेडी आपको बहुत ऊपर जा चुका है। तो या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा एक अच्छे समय के लिए या फिर स्टॉक रिट्रेसमेंट करेगा। अब बात आती है, जो लोग यहाँ पे आपको बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं वो लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ये लेवल जो है आपको 2000 से लेके, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो आपको 2100 और 2000 ये लेवल जो है आपको एक अच्छा सपोर्ट का यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहा है, और अभी करेंटली इसी सपोर्ट पे है। आपको कंटिन्यूस एक फॉल हो रहा था, 2700 के अराउंड से कंटिन्यूस फॉल हुआ है, एक यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल जरूर दिख रहा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो कभी भी फर्स्ट टाइम अगर कभी भी कोई स्टॉक फॉल हो रहा है, फर्स्ट टाइम आप जब यहाँ पे बाउंस आता है यहाँ पे कभी नहीं बाई करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है इसके बाद फिर से जब सेलर्स आपको डोमिनेट करेंगे तो ये लेवल को ये ब्रेक कर सकता है। तो वेट कीजिए, अगर यहाँ पे फिर से थोड़ा सा सेलर्स आते हैं लेकिन आपको ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, और उसके बाद अगर फिर से आपको इस लेवल को क्रॉस कर जाता है 2250 को, तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं। आपका टारगेट फिर ये लेवल हो जाएगा जहाँ पे कि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे कैसे प्ले करना है, आपको वेट करना है, इस लेवल पे आपको वेट करना है जो आपको मार्केट क्या करता है। अगर यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके फिर से सेलर्स आते हैं और फिर अगर उसके बाद बाउंस लेता है और इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो ही आपको बाई करना है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ऐसा है जो ये आपको सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। क्योंकि अगर आप इस सपोर्ट को ध्यान से देखेंगे, ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आपको टेस्टेड है, तो जितनी बार सपोर्ट आपको टेस्ट होता है वो कमजोर होता जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 4 टाइम ऑलरेडी 4 टाइम यहाँ पे टेस्टेड है। 5th टाइम अगर यहाँ पे आएगा, मार्केट अगर मोमेंटम में रहेगा तो फिर ये आपको ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए आपको जो है इस लेवल के ऊपर वेट करना है। अगर रेस्पेक्ट करेगा तो फिर आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, जो यहाँ पे आया
यहाँ पे आके मोमेंटम स्लो हो गया, फिर आपको फर्स्ट टाइम ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, तो एक आपको अच्छा मोमेंटम यहाँ पे 300 350 पॉइंट का मिला था। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आपको एक फॉल हुआ है, अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर कुछ भी ब्रेकआउट देता है तो बाई करना आपके लिए सही रहेगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं सपोर्ट लेता है और ब्रेक कर देता है तो फिर आप फिर से यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको ऐसे प्ले कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।